राठौर साहब, मैं पहले चाहूंगा कि हम आपके जो प्रारंभिक जीवन है, कैसे आप राजनीति में आए, किस सोच के साथ आए थे। कहते हैं 1970 के दशक में आपने आरएसएस ज्वाइन किया था, तो कैसे कैसे आपकी राजनीतिक यात्रा रही। ये बात सही है कि बचपन से ही मैं संघ परिवार से जुड़ गया था। तो जहाँ मैं प्राइवेट एक स्कूल में गया था, तो वहाँ जो हमारे शिक्षक थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। अच्छा। तो उसके कारण से मैं संघ के संपर्क में आया और उसके बाद लगातार जारी रहा, ITC OTC ये सब करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चलता रहा। फिर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक आदरणीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का देहांत हुआ, तो एक ऐसा वातावरण बना था कि इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नौजवान अपना कुछ समय दे, एक्टिव राजनीति, हाँ नहीं राजनीति नहीं, अच्छा संघ के लिए दे। ओके। तो मैंने सोचा कि 2 वर्ष मैं भी देता हूँ। मैंने 2 वर्ष के लिए मैं निकला, लेकिन दुर्भाग्य से 25 नवंबर 1975 में इमरजेंसी लग गई देश पर, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध लग गया तो फिर आंदोलन चलाना था, तय हुआ कि जेलें भरो, आंदोलन चलाओ। तो उसकी जवाबदारी भी मुझ पर आ गई कि बोले पाली, जालोर, सिरोही, इन 3 जिलों में जेल भरवाना है, लोगों को जेलों में भेजना है। तो हमने भी वहाँ पर ये लोगों को तैयार किया, हमारे स्वयंसेवकों को, उन्होंने जेलें भरी। ठीक है। फिर जेल में तो फिर परिवार को पीछे संभालना, ये मेरे ऊपर दायित्व था। मेरे ऊपर उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का एक वारंट भी जारी हो गया था कि इसको गिरफ्तार करो, लेकिन अंडरग्राउंड रह करके हमने आंदोलन चलाया। उस समय एक सरदार के बेस में हमको ये मोदी जी मिले हल्दीघाटी में, एक हमारा कार्यक्रम। मोदी जी उस समय मिले आप? तो हमको नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। हमको तो लगा कोई हमको मार्गदर्शन, मतलब हम लोग क्या अंडरग्राउंड चलाते थे ना, तो उसमें प्रेरणा देने के लिए आते। ठीक बात है। तो हमारे तो आदर्श हैं, तो हमको नहीं मालूम नरेंद्र भाई मोदी है कि कौन है, ये भी हमको नहीं पता। तो उनका प्रवचन सुना, हमको अच्छा लगा कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उनका जो वो था, तो थोड़ा प्रभावित तो हुए कि आदमी बहुत ज़ोरदार है, लेकिन पता नहीं था कि ये नरेंद्र भाई मोदी है, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद इमरजेंसी हटी तो हमको फिर कहा गया कि अब वापस आरएसएस से प्रतिबंध हट गया था, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत बन चुके थे, प्रतिबंध हटा दिया था। तब हमको फिर कहा कि इस संगठन को जो इतने समय तक अंडरग्राउंड रह के चलाया या थोड़ा बहुत अव्यवस्थित हो गया, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आप कुछ समय दो और। तो और देना पड़ा। यूँ करके करीब 7.5 साल तक मैं प्रचारक जीवन, यानी सन्यासी जीवन, बिल्कुल घर बाहर से विरक्ति, पूर्णकालिक प्रचारक 7.5 साल तक रहा। फिर चूँकि मेरे बचपन में शादी हो गई थी, हमारे यहाँ बाल विवाह हो जाते हैं, तो वो जवाबदारी पीछे आ गई तो फिर मुझे गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा, परिवार भी संभाला। फिर वो जब विखंडन हुआ इसका, जनता पार्टी टूट गई, तो फिर तब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे मेरा अपना उद्योग है, उद्योग चलाता हूँ, बाकी बढ़िया।